हेलो कैंडिडेट्स, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कल आपने अवसर गुणधर्म पढ़ा था, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। आज अवसर के गुणधर्म की पढ़ के अवसर के गुणधर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें भले इसमें आपको क्या करना है कि एक पुराना टॉपिक पढ़ना है जो आपने इसके पहले पढ़ लिया है, विलय के अनुभार की गणना। जैसे आपका क्या था, सबसे पहला नियम था वास्तु दाब का सापेक्षिक और मन। अपनी ये पढ़ो, इसको आप ऐसे लिखते हैं, पी नॉन माइनस पी बाई पी नॉन इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। भाई क्या होता है कि कभी कभी विलय में जब हम विलय की मात्रा मिलाते हैं तो विलय की मात्रा शून्य भी हो सकती है, और अगर शून्य है तो वहां पर विलयन सिर्फ और सिर्फ विलायक की प्रकृति का होगा, विलायक ही होता है। लेकिन अगर उस विलयन में विलय डाला जाए, विलय विलीन हो लेकिन उसकी मात्रा नगण्य हो, जैसे एक बड़े से तालाब में हमें एक टुकड़ा चीनी का डालते हैं तो वहां पर विलय की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। और जब नगण्य होगी तो उसके विलय तो उसके जो मोल होंगे विलय के वो लगभग शून्य होंगे, किसकी अपेक्षा में, विलायक के मोलों की अपेक्षा। आप एक बार इमेजिन करिए कि बड़े से तालाब में जो पानी का होगा, पानी की मात्रा होगी, उस मात्रा में चीनी की मात्रा कितनी प्रदर्शित होगी, बहुत ही शून्य। ठीक है, तो ऐसे आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसका मान रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अवसर के गुणधर्म वास्तु दाब के आधार पर विलय के अनुभार की गणना कीजिए, या फिर किसी भी विलयन के अवसर के गुणधर्म में विलय का भार या विलय का अणुभार किस प्रकार से निर्भरता प्रदर्शित करता है, तो आपको यही वाला आंसर देना है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि आपको इसके मान देने हैं, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू डैश बाई कैपिटल एम डैश, या इसी को किस तरह से लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम डैश स्मॉल डब्ल्यू डैश इंटू एम। ठीक है, आप इस तरह से लिखिए। अब हम आगे चलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन हमको पढ़ना है। आइए बेटा, बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन, है ना, हमको बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन की। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, तो आप सीधे सीधे परिभाषा में देते हो कि वह ताप जिस पर किसी द्रव को उबाला जाए, किसी द्रव को गर्म कर दिया जाए, वो सीधे किस अवस्था से किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ये परिभाषा पुरानी थी, अब आपको एक नई परिभाषा देनी है। परिभाषा क्या देनी है कि किसी विलयन का वह अधिकतम ताप, वह अधिकतम जिस पर उस विलयन की
बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसी ताप को क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, एक बार और समझिए, जो बात आपको समझनी है वो ये है, क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये जो आप बात में द्रव अवस्था रखे रहते हैं, ये द्रव अवस्था जो है इसमें इसका एक क्या होता है? वाष्प दाब होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर आरोपित होता है एक क्या? वायुमंडलीय दाब। ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्वथनांक पर आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि कोई द्रव अवस्था गैस अवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाती है। वही सवाल परिवर्तित होती है कि द्रव अवस्था में उसका अपना एक वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब जो होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? कम होता है। मतलब आप देखेंगे कि जब पदार्थ किसमें हो? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो क्या होता है? होता यह है कि द्रव का वाष्प दाब किससे कम होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है। वायुमंडलीय दाब से कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होने के कारण द्रव को हमेशा द्रव के अणुओं को वायुमंडल दबाता रहता है। इसकी सतह आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती है, इनके बीच का अंतराल स्थान ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाता है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में आ नहीं पाती। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसको गर्म करने पर द्रव को गर्म करने पर पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन होता है। पदार्थ में क्या परिवर्तन हो जाता है? कि द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। शायद आपको दिखा नहीं, देख लीजिए, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने गर्म किया है, ये गर्म करने की जो प्रोसेस है हमेशा एक अधिकतम और प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित ताप पर ही द्रव को गर्म करने पर है ना, तब जाकर उसका द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जैसे ही किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, इसका मतलब यह है कि अब वो जो द्रव है वो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो जाएगा। मतलब उसके अंतराल स्थानों का मान अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम होने का मतलब यह है कि अब उस पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो उड़ेगी। वो पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था में आकर उड़ने लगेगा। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और इसी क्वथनांक पर ही कोई द्रव अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाती है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हुआ क्वथनांक। अब हमको पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। किसी भी विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो निर्भर करता है किस पर? उसकी मोलरता। मोलरता किसी भी विलयन का क्वथनांक उन्नयन निर्भर करता है उसकी मोलरता। विलयन की मोलरता पर क्यों निर्भर करता है? क्योंकि हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ का जो दाब होता है, किसी भी पदार्थ का जो दाब होता है वह दाब हमेशा उसके विलेय के द्रव्यमान के बराबर, विलेय के द्रव्यमान के बराबर नहीं सॉरी, वो विलेय के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए अब विलेय सिर्फ नहीं कहेंगे, विलयन हो सकता है। और जब विलयन कहेंगे तो विलायक का द्रव्यमान भी आएगा। और आप जानते हैं जब विलेय के मूलों की गणना विलायक के द्रव्यमान में की जाती है, उस स्थिति में वो जो आप एक आपका सांद्र
किलोग्राम भार और नॉर्मलता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे सॉरी विलेय के ग्राम मूल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये हुई नॉर्मलता। तो आइए क्वथनांक उन्नयन की बात करते हैं। माना किसी विलयन को T1 ताप से T2 ताप पर गर्म करने पर उसके क्वथनांक में कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा टीबी ताप का परिवर्तन होता है, डेल्टा टीबी ताप का परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होगा ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उसकी मोलरता। आप ऐसे लिखेंगे किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है उसकी मोलरता पर, विलयन की मोलरता पर। ठीक है, विलयन की मोलरता पर। अब आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम मोलरता को आप लोग इस मान से निर्धारित करते हैं। और फिर अगर आप दोबारा लिखना चाहें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, जहां केबी इक्वल टू केबी क्या है, केबी है उन्नयन स्थिरांक किसका, क्वथनांक का। आप लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन सॉरी आप इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।